हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अच्छे ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप सबको जैसे कि पता है कि मोस्टली हम अबेकस का जो सिलेबस है अपना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। ऐसे तो जैसे कि हम स्कूल में जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो मोस्टली कवर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल नंबर्स वगैरह जो होते हैं वो बचे हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि जितना भी हमने करवाया है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, एक बार अच्छे से हम कर लें, उसके बाद ही हम आगे क्या करें, आगे स्टेप रखें, ठीक है। तो जैसे कि हमने टूल पे जितने भी सम किए हैं उनका विजुअल भी करते हैं, तो हम पहले विजुअल करेंगे उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये है, जो भी हम मेरे चैनल पे न्यू आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करें जो भी न्यू बंदा हो, ताकि आपको आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके फोन में प्रॉपरली आपको मिलता रहे। और जैसी भी आपको वीडियो लगती है तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे कि भाई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा या फिर समझ में आ रहा है, क्योंकि डाउट रहता है, मुझे नहीं पता चल पाता कि भी आप लोगों को कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ। तो जब आप कमेंट कर देते हो तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है, हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ उनको अच्छा लगता है, कोई भी अगर मेरी वीडियो देखता है तो उसको समझ में आता है, ठीक है। अगर किसी बंदे को समझ में आएगा तभी तो वो वीडियो देखेगा। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को जैसा भी लगता है आपको, चाहे वो अच्छा लगता हो चाहे वो बुरा लगता हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छे व्यू मिस, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बस लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए, और तो बाकी भाई आपको समझ में आता है तो आप ये अच्छे मीन्स लिख सकते हो, वहाँ भी अच्छा समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया, किसी टाइप का कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बता भी सकते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। तो आज मैं आपसे विजुअल करती हूँ, मैं खुद करवा के दिखाती हूँ आपको कि भाई विजुअल हम कैसे करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है विजुअल के ऊपर भी कि हम विजुअल करते कैसे हैं, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं बता रखा कि भाई हम विजुअल का सम लेंगे तो फिर उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उसमें सिर्फ ये बता रखा कि विजुअलाइजेशन होता क्या है। अगर हमारे पास कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन उसको हम माइंड में सोच के हम ये चीज़ बता देते हैं कि उस चीज़ के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो वो सब क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। बगैर किसी चीज़ के प्रेजेंट के और उस चीज़ के बारे में सोचना माइंड में फिर बताना, तो वो होती है हमारी विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो आज मैं सम के द्वारा आपको समझाती हूँ कि सम में हम कैसे करेंगे। तो आपको माइंड में हमेशा जो मैंने आपको बताई थी सेंटर डॉट, जिसको हम यूनिट डॉट भी बोलते हैं, सिर्फ माइंड में आपको वो याद रखनी है, उसकी बिट्स याद रखनी है, ठीक है, अपर बिट्स डाउन बिट्स दोनों, बस उसको माइंड में लेके चलना है आपको। जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा आप करते रहना, तो मैं आईज ओपन करके ही दिखाऊंगा। तो हमेशा जब भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअल करते हैं, तो हमेशा एक तो लेफ्ट हैंड ही यूज करेंगे, ठीक है। हैंड मूवमेंट जो भी शो करेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड से ही शो करेंगे, ठीक है। अब करते हैं सम शुरू। पहले मैं इजी सम लूंगी ताकि आपको आसानी रहे वो सब करने। सबसे पहले मैंने बोला मेक टू। अब आपको ये पता है, पहले मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आपको एक दो सम मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपसे करवा के देखती हूँ। आप भी मेरे साथ साथ करना, जब भी आप वीडियो देखोगे तो आप मेरे साथ साथ ही करना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चीज़, क्योंकि सबसे पहले तो हम ऐड कर नहीं सकते, कोई ना कोई नंबर होगा हमारा, उसी में तो हम कोई दूसरा नंबर ऐड करेंगे ना, तो इसलिए सबसे पहले हम बोलते हैं मेक। कोई भी नंबर मीन्स वन बनाओ, टू बनाओ, थ्री बनाओ, जो भी हो सकता है, तो मैं बोलती हूँ मेक टू। अब टू हमारी डाउन बीट्स होती हैं, मीन्स डाउन बीट्स में फोर बीट्स होते हैं, अब फोर की फोर बीट्स ईच बीट्स वैल्यू वन, ठीक है। अगर हम टुगेदर इकट्ठा उसको अगर काउंट करेंगे तो उसकी वैल्यू फोर हो जाएगी, तो हमें टू बनाना है, मीन्स टू बीट्स को आप लेके जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा लेफ्ट बीट्स सॉरी डाउन बीट्स को हमेशा थम से अप करेंगे, तो हमारा जो हैंड मूवमेंट होगा वो क्या थम शो करेगा, टू बीट्स आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप जब डाउन बीट्स को दिखा रहे हो तो थम से ही ऐसे करो, और इंडेक्स का यूज करोगे इंडेक्स फिंगर का तो फिर इंडेक्स फिंगर की मूवमेंट देखेंगे। तब मैंने बोला मेक टू, टू बीट्स आप देखो मैंने ऐसे ऐसे शो किया, ये मेरी हैंड मूवमेंट है, ठीक है। मेक टू, टू बीट्स हमारी कहाँ गई, वैल्यू बार की साइड,
डाउन से टू बिट्स को हमने अप किया है, मेक टू हो चुका है हमारा, ठीक है। अब करेंगे प्लस फाइव। अब फाइव हमें पता था अपर बिट्स जो होती है वो हमारी फाइव थी, तो फाइव को हम क्या करेंगे डाउन, वो हमेशा इंडेक्स फिंगर से होती है तो डाउन। अब हमारा आंसर क्या आ चुका है, टू डाउन से थी, फाइव अपर साइड से, तो हमारा आंसर आ चुका है सेवन, ठीक है। अब इसी में हमें कॉन्टिन्यूटी एड करना है, अगेन प्लस टू, अब हमारा आंसर क्या आया था इससे पहले सेवन, अब टू को एड करना है, तो टू हमारे डाउन में है, बिट्स टू बिट्स अप, आंसर क्या है हमारा नाइन। अब इसी में ही हमें लगातार इसके आगे ही हमें अपना सब आगे ही जारी रखना है। अब इसमें से हम करेंगे माइनस थ्री, अब माइनस थ्री हमारे पास डाउन में फोर बिट्स एंड फोर की फोर बिट्स हमारे यहाँ पहुंच गई है, इसमें से हमें थ्री को माइनस करना है, तो थ्री को माइनस करेंगे तो थ्री बिट्स को डाउन करेंगे। अब डाउन करने के लिए हमारी क्या होती है इंडेक्स फिंगर, थ्री बिट्स डाउन, डाउन वाले में से ही थ्री बिट्स, क्योंकि अपर तो हमारी फाइव वैल्यू होती है, तो थ्री बिट्स डाउन कर दी। अब हमारे पास आंसर क्या बचा सिक्स। ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि आप टूल पे कर रहे हो, जब आप आईज क्लोज करके करोगे तो आप बहुत इजीली अपने माइंड में सोच पाओगे, टूल आपको प्रॉपरली दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर क्या आया सिक्स। ऐसे दो दो छोटे छोटे दो दो तीन तीन डिजिट के सम ले लो आप पहले, वन वन डिजिट के, और फिर आप करते देखो। अब एक सम और करती हूँ, इसमें थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको क्लियर आए। मेक थ्री थ्री बिट्स अप, प्लस फाइव फाइव बिट्स डाउन, आंसर इज एट। इसी में हमें आगे करना है माइनस टू टू बिट्स डाउन, आंसर इज सिक्स, माइनस फाइव फाइव बिट्स अप, आंसर इज वन, प्लस थ्री थ्री बिट्स अप, आंसर इज फोर। बस इतना ही करेंगे, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, तो छोटी छोटी समझेंगे। अब मैं बिल्कुल भी आपको बताऊंगी नहीं कि आप करो डाउन करेंगे ऐसे गया वैसे गया, नहीं, डायरेक्टली अब मैं आपको आंसर ही बताऊंगी, मैं बोल भी जाऊंगी, मैं अपने आप करती रहूँगी, ठीक है। मेक टू प्लस फाइव माइनस वन प्लस थ्री माइनस फाइव माइनस टू, आंसर इज टू। आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने सही किया या गलत, ठीक है। तो ऐसे हम विजुअलाइजेशन करेंगे, आप भी अपने बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करा सकते हो, आप भी खुद भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी जब भी सीखना चाहे जब भी तभी सीख सकता है। अगर आप सीख लोगे तो आप अपने बच्चे को भी अच्छे से सिखाओगे, ठीक है। तो आज के लिए यही था बस मेरा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैंने दो तीन सम करवाए हैं आपको, तो ऐसे ही आप भी अपने घर पे सम की प्रैक्टिस करो और आप भी बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर फिर से हम पर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो, कमेंट भी किया करो, जैसा भी आपको लगता है वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।